आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुंटा पंचायत के कुंटा पंचायत के पंचायत सचिवालय के प्रांगण में यहाँ उपस्थित मुंडू प्रखंड के आदरणीय जिला परिषद सदस्य परमेश्वर सांडिल जी, मंच पर उपस्थित हमारे बुंडू अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार साहू जी, मंच पर उपस्थित हमारे बुंडू प्रखंड के आदरणीय प्रमुख राजकुमार गंजू जी, मंच पर उपस्थित हमारे बुंडू प्रखंड के आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया, मंच पर उपस्थित तमाम सभी जनप्रतिनिधिगण, पंचायत के सभी प्रतिनिधि, हमारे उप प्रमुख महोदया और यहाँ उपस्थित हमारे प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हुमटा पंचायत के सभी आदरणीय माताएं बहने, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथियों और सभी ग्रामीणों को मैं अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम के लिए सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी को जोहार करता हूँ। अब सभी को मालूम है कि ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, ये कार्यक्रम हम अगर पिछले साल की उपलब्धियों को अगर देखते हैं तो करीब 90% से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हुए और 90% से ज्यादा लोगों के आवेदनों पे सही तरीके से काम हुआ, उनको लाभ भी मिला है। आज हम लोग हुमटा पंचायत में यहाँ बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भूमिका यहाँ रखे, तो चूंकि ये आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में कहीं भी इस तरीके का आयोजन नहीं होता है। ये आयोजन राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत ये कार्यक्रम को शुरू की है। राज्य सरकार का ये सोचना है कि आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के प्रखंड के कार्यालयों मुख्यालयों में आना जाना उनका लगातार लगा रहता है, लेकिन कई मामलों को लेकर के उनके समस्याओं का समाधान होता भी था और नहीं भी होता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दूर दराज से लोग प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचते थे, आसान नहीं होता है हर किसी के लिए। तो सरकार ने सोचा कि आम लोगों के लिए, उनके प्रयासों को आसान करने के लिए, उनके समस्याओं को एक तरीके से कहिए तो समाधान करने के लिए पूरे प्रखंड मुख्यालय को ही पंचायत पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके समस्याओं का हल निकल सके। आपने देखा होगा कि पिछले साल एक स्कीम लाया गया राज्य सरकार की तरफ से, सर्वजन पेंशन योजना। उस योजना के तहत में जो उपयुक्त है उनको पेंशन मिलना है। हम लोग करीब 10 साल 12 साल से लगातार अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में एक चीज को देख रहे हैं कि जब भी जिस गांव में जाते थे तो हम लोगों को जो भी बूढ़े बुजुर्ग मिलते थे, हम लोगों के सामने इस बात का अपना दुखड़ा सुनाते थे कि हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। और सही मायने में जब हम लोग उनको देखते तो देख के लगता था कि ये पेंशन के सही मायने में हकदार है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास में उस तरीके का कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। प्लान कहने का मतलब था कि हर प्रखंड में कुछ कोटा निर्धारित होता था, कोटा निर्धारण के आधार पर पेंशन का लाभ मिलता था। लेकिन पिछले साल ही राज्य सरकार ने फैसला लिया कि अब जो उपयुक्त होंगे उन सभी को पेंशन देना है, और राज्य सरकार के इस स्कीम का मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लाभ पूरे राज्य के लोगों को मिला है। इसलिए जो लोग उपयुक्त है, मेरा आप सबों से आग्रह है, ग्रामीणों से भी आग्रह है और जो प्रखंड के कर्मी है उनसे भी आग्रह है कि जिनका भी उपयुक्त व्यक्तियों का आवेदन आता है उनको जितनी जल्दी से जल्दी उन सारे आवेदनों को स्वीकृत करते हुए उनको लाभ देने का प्रयास करें। उसके साथ साथ में आपने देखा कि पिछले साल ही राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी करने का भी एक योजना लाया। उस योजना के अंतर्गत में भी मुझे लगता है कि जो इस श्रेणी में आ रहे हैं उनको भी इसका लाभ लेना चाहिए। और लाभ लेकर के मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे थे जो ऋण के कारण उनके ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ गया था, वो भी सरकार कोशिश की है कि आपके ऋण के बोझ को भी हल्का करे। उसके साथ अन्य सभी विभाग मुझे लगता है यहाँ पर है जिनको आवश्यक लगता है कि जिस विभाग के अंतर्गत उनके समस्याएं हैं उस विभाग में अपना आवेदन करें, आपके
आपके समस्याओं को त्वरित निवारण यहाँ से आप सभी को होगा। उसके साथ साथ जो तुरंत होने वाले कार्य हो तो तुरंत ही हो जाएंगे, लेकिन जैसे एसडीओ साहब ने अभी बताया कि कुछ ऐसे कार्य जिनमें समय लगता है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी श्रेणी अनुसार अपना आवेदन को रखिए। निश्चिंत रहिए, ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपके समाधान के लिए है, आपके सहयोग के लिए है। आप जितने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाएंगे, मुझे लगता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का हल आप ही के लिए होगा। इसलिए ज्यादा और लंबा हम नहीं खींचेंगे, बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।